दिगरा शहर के मानोरा चौक परिसर स्थित लाइफस्टाइल दुकान में चोरों ने सेंध लगाने का प्रयास किया। दुकानदार की किस्मत अच्छी थी कि चोर दुकान का शटर तोड़ने में असफल रहे। शुक्रवार को सामने आई इस घटना के बाद शहर पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दिगरा शहर में कर्फ्यू जैसी स्थिति से लोग अपने अपने घरों में रहकर स्थानीय प्रशासन के चाक चौबंद व्यवस्था को सहयोग दे रहे हैं। शहर की हर गली मोहल्लों और बाजारों में सन्नाटा पसरा है, जिस वजह से शहर के व्यापारी प्रतिष्ठान और दुकानों की सुरक्षा स्थानीय पुलिस प्रशासन के जिम्मे है। ऐसे में मानोरा चौक परिसर में सागर उपड़े नामक व्यवसायी की लाइफस्टाइल नामक रेडीमेड कपड़ों की दुकान है, जिसमें चोरों ने सेन लगाते हुए दुकान का शटर तोड़ने की कोशिश की। अंदाजा जताया जा रहा है कि चोरों ने गुरुवार की देर रात इस दुकान के शटर को तोड़ने का भड़कस प्रयास किया, पर वे नाकाम रहे। शुक्रवार को जब इसकी भनक सागर उखड़े को लगी, तब उनके पैरों तले जमीन सरक गई। सागर की किस्मत अच्छी थी कि चोर दुकान का शटर तोड़ने में असफल रहे। सागर ने स्थानीय पुलिस विभाग की सुरक्षा यंत्रणा और निगरानी पर नाराजगी जताई और NBCN को बताया कि फिलहाल दुकान में 30 लाख का कपड़ों का माल भरा हुआ है। ये अभी 12 बजे पता चला, ये रात को हुआ रहेगा या परसों हुआ रहेगा। लॉकडाउन की वजह से मैं 2 दिन घर पे ही था, इधर आने के लिए नहीं जम रहा था, इसके लिए आया नहीं, कुछ नहीं हुआ। और पहले भी एक बार मेरे दुकान में चोरी हुई है, जब भी कुछ नुकसान भरपाई मिला नहीं, कुछ नहीं हुआ। अभी भी शटर का पूरा नुकसान हुआ है और पुलिस का कुछ बंदोबस्त दिख रहा नहीं है सही से। इस दौरान घटना का पता चलते ही दिगरस पुलिस थाने के थानेदार सोनाजी आमले सहित अन्य पुलिस कर्मियों ने घटना स्थल पर पहुंचकर पंचनामा किया और सागर उपड़े की शिकायत दर्ज कर ली। बीते बुधवार से दिगरस में कोरोना संक्रमण के मामलों को रोकने के उद्देश्य से बीते बुधवार से शुरू हुए कर्फ्यू की वजह से शहर भर में सन्नाटा पसरा हुआ है। इस सन्नाटे और शहर पुलिस विभाग की अनदेखी का फायदा चोर उठा रहे हैं। ऐसे में दिगरस पुलिस को रात में गश्त बढ़ाने के साथ ही नागरिकों और व्यापारियों की दुकानों और संपत्ति की रक्षा के प्रति ज्यादा सतर्क और सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि बीते 3 महीनों से जारी लॉकडाउन से व्यापार सहित हर क्षेत्र आर्थिक मंदी की मार झेल रहा है, जिस वजह से लोगों की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चकनाचूर हो गई है। ऐसे में चोरी डकैती के बढ़ते मामलों से रही सही संपत्ति लूट जाने का लोगों में भय बढ़ सकता है। जरूरत है कि पुलिस अपनी सतर्कता बढ़ाकर चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाए और लोगों के दुकान मकान और संपत्ति को कोई चोर उचक्का लूट ना सके। NBCN न्यूज के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।